केकड़ा नो चंदनेश्वर भी जाके सबसे पहले दर्शन करेंगे। फाइनली पूजा देना हो चुका है, अभी सबसे पहले मैं थोड़ा सा होटल जाऊंगी फ्रेश होने के लिए और मम्मी को भी ये सलवार चेंज करना है और उसके बाद हम निकल जाएंगे। आज सबसे पहले जिस बीच में हम जाने वाले हैं और वेंचर करने वाले हैं वो है ताजपुर, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। जब भी मैं किसी नए जगह पे घूमने जाती हूँ द फर्स्ट थिंग आई वेंचर इज स्ट्रीट फूड। दीघा में भी आके आई केम अक्रॉस दिस छोटा सा ईटिंग शैक जहाँ पर बहुत ही बढ़िया चाइनीज कॉम्बो मिल रहा था, सो आई ऑप्टेड फॉर देयर मिक्स्ड फ्राइड राइस साथ में चिली चिकन ड्राई और प्रिपरेशन तो काफी डिलीशियस और स्पाइसी लग रहा था और बढ़िया खुशबू आ रहा था। फ्राइड राइस और चिली चिकन आ चुका है, इट्स ड्राई चिली चिकन और एक चिकन फ्राइड राइस है। इट्स रियली स्पाइसी, काफी बढ़िया है। सेशवान चटनी के वजह से इसका टेस्ट हल्का सा स्पाइसी है बट बिकॉज ऑफ द फ्रेश वेजीज इट हैज अ रियली गुड क्रंच। ये पहली बार मैं दीघा में ना इस तरीके से चाइनीज ट्राई कर रही थी। चिली चिकन का टेस्ट भी फ्राइड राइस की तरह काफी बढ़िया था, इट हैज अ स्पाइसी किक बट ऑल्सो अ स्वीट आफ्टर टेस्ट। जो अनियंस दिया था वेजेस वाली काफी ज्यादा क्रंची फील हो रहा था और फ्राइड राइस के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। गाइस The food is really good. Variety of food try करने में तो जितना मजा आता है उससे ज्यादा difficulty होता है दांतों की hygiene को maintain रखना, specially अगर आप मेरे जैसे food लेके passionate हो। Cleaning your teeth effectively is very important. इसलिए मैं घर में रहूं या बाहर travel करूं, I always carry my Agaro Cosmic Plus Sonic Electric Toothbrush, क्योंकि इसमें है superior sonic technology जो generate करता है 40,000 strokes per minute, जिससे कोई भी गंदगी दांतों से इफेक्टिवली क्लीन होता है। 5 DuPont ब्रश हेड्स विद दिस जो परफेक्टली आपकी टीथ टोपोग्राफी में फिट होता है, प्लस इट हैज 5 क्लीनिंग मोड्स, व्हाइटनिंग व्हिच मेक्स योर टीथ ब्राइटर, क्लीनिंग फॉर डेली क्लेंजिंग योर टीथ, सेंसिटिव फॉर सेंसिटिव टीथ, पॉलिशिंग फॉर मेकिंग योर टीथ ब्राइटर एंड अ मसाज मोड फॉर मसाजिंग योर गम्स। इसके साथ आपको एक इंटर डेंटल ब्रश हेड भी मिलता है फॉर क्लीनिंग द टीथ इन बिटवीन एंड ऑल्सो एक्सट्रीमली हार्ड टू रीच एरियाज। इसका बैटरी काफी लॉन्ग लास्टिंग है, यू कैन रिचार्ज इट विद अ यूएसबी चार्जर एंड स्मार्ट टाइमर है व्हिच रिमाइंड्स यू आफ्टर एवरी 30 सेकंड टू चेंज द ब्रशिंग पोजीशन एंड आल्सो गाइस इसमें 2 मिनट का ऑटो शट ऑफ फीचर भी है। इसमें है एक स्मार्ट मेमोरी व्हिच रिमेंबर्स द वे यू ब्रश योर टीथ एंड आल्सो दिस इज IPX7 वाटरप्रूफ, सो आराम से आप इसे पानी के नीचे क्लीन भी कर सकते हो। ओवरऑल कुछ भी खाने के बाद दांतों के हाइजीन मेंटेन रखने के लिए आप जरूर ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज कर सकते हो। अगर आपको भी ट्राई करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ 100 रुपए का प्लेट था, ओके 50 रुपीज चिली चिकन एंड 50 रुपीज फ्राइड राइस, और फ्राइड राइस में अंडा चिकन दोनों ही था और चिली चिकन 5-6 पीस छोटा छोटा था, तो इतना सस्ता में इतना बेहतरीन क्वालिटी और क्वान्टिटी का खाना, टू गुड थम्स अप।
अगर कोई मुझसे पूछे समुंदर या पहाड़, इसके बीच में क्या पिक करना है, आई विल ऑलवेज बी अ वाटर बेबी। ये मेरी पहली बार ताजपुर में है एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड क्योंकि बीच काफी क्लीन थी एंड ऑल्सो इट इज हाउस ऑफ मल्टीपल रेड क्रैब्स। कोई तो मेरा नाम लिखता नहीं है, मैं खुद ही लिख रही हूं। वीना हार्डकोर फूडी, नए जगह जाते ही आई ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर न्यू ऑप्शंस टू ट्राई। बाहर में दिख गया काफी सारा शैक्स जहां पर ब्रेकफास्ट, लंच, हर चीज मिलता है एज पर योर ऑर्डर। लगता है पहाड़ हो या समुंदर, मैगी से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। आज का मैगी बस ये मौसी बना रही है और बहुत ही प्यारी सी स्माइल है मौसी की। Before moving to something complex, a simple bowl of hot Maggi is always emotion. Anda, Maggi masala, प्याज और मिर्ची के साथ बहुत ही अच्छे से मौसी ने इस मैगी को बनाया। अंडा वाला मैगी है और मुझे ऐसे सूखा मैगी पसंद है, सूपी ठंडे में अच्छा लगता है, अभी इतना ठंडा नहीं है। प्राइस पर 50 rupees which was pretty cheap. पी रही हूँ नारियल पानी क्योंकि बीच में आएंगे और नारियल पानी नहीं पिएंगे तो अतरंगी नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है कम्पेयर टू मंदारमनी, दीघा, न्यू दीघा। मुझे लगता है ये बीच काफी खाली होता है एंड दैट मेक्स इट सो परफेक्ट क्योंकि आप आराम से सुकून के साथ यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। ये देखो स्टार फिश। बीच के ऊपर काफी सारे ऐसे शैक्स मिल जाएगा जहां पर आप बकायदा अपने पसंद से लंच या स्नैक्स ऑर्डर कर सकते हो। एवरेज कॉस्ट इज बिटवीन 500 to 850 rupees, डिपेंड करता है द अमाउंट एंड द क्वांटिटी ऑफ आइटम यू ऑर्डर। यहां से हमने सबसे पहले ऑर्डर किया ये आमूदी फिश फ्राई। इट इज अ लोकल फिश जिसका कलर रेड होता है। इसे डीप फ्राई किया जाता है एंड सर्व करते हैं विद नींबू, चटपटा चाट मसाला एंड प्याज। 100 rupees प्लेट है और 70 to 80 pieces होता है तो काफी गुड अमाउंट है। तो सबसे पहले ऊपर में नींबू डाला, फिर ऐसे एक फिश फ्राई लो और खा जाओ। बहुत ज्यादा क्रिस्पी है, हल्का सा फिशी फ्लेवर, स्वीट, वेरी स्वीट एंड फ्रेश, टेस्ट काफी स्वीट है, मीठा मच्छी है। हाँ कत करे देशी मुर्गी? 5.5 lakh করে কিলো রান্না নিয়ে। রান্না নিয়ে তো আচ্ছা, আমি রান্না কিলন করব, আমি রান্নাটা শুট করব, ঠিক আছে। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था कंट्री चिकन करी यानी देशी मुर्गी झोल एंड दे प्रिपेयर इट इन वेरी होमली स्टाइल विद अ ग्रेवी जो प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर के साथ बनता है विद अ स्प्रिंकल ऑफ चिकन मसाला इनटू इट। एब्सोल्युटली डिलेक्टेबल। तो गाइस यहाँ पर चिकन करी लगभग बन चुका है, चिकन ऐड कर दिया है, अभी चिकन बॉयल होगा, मसाला पकेगा और हमारा करी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वो लोग जो होल चिकन है आपको सर्व करते हैं अलोंग विथ चावल, दाल एंड आलू फ्राई। सो द क्वांटिटी इज प्रिटी गुड। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा रह जाता है स्पेशली फ्रॉम चिकन दे विल पैक इट फॉर यू। सो प्राइस रेंज के अंदर मुझे लगता है फूड का क्वालिटी, क्वांटिटी और हाइजीनिक काफ़ी बढ़िया था। इट इज़ प्रिटी सिमिलर टू द एक्सपीरियंस विच हैड इन मंदारमनी एंड या इट वॉज प्रिटी गुड। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पर आके ज़रूर एक्सपीरियंस करो क्योंकि समुंदर के सामने बैठ के समुंदर को देखते हुए खाना खाने में एक अलग ही मजा है। माँ बोलते मेटे मेरा कालू खाएगा, मेरा कौन कालू, बोले कुत्ता। मेरे दो कुत्ता है ना, एक पायल एक राहुल। ट्राई करेंगे द स्टार डिश आवर कंट्री चिकन करी। सो दिस चिकन करी वॉज प्रिपेयर्ड इन अ वेरी होमली मैनर। बहुत ही अच्छा धनिया टमाटर का एक फ्लेवर था और चिकन मसाला का एक बहुत खूबसूरत अरोमा था जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। तो चिकन वॉज वेरी वेल कुक्ड एंड जूसी एंड चावल के साथ हर एक निवाला वॉज सो फुलफिलिंग एंड टेम्पटिंग। आप तो देख ही सकते हो कितना मज़े के साथ मैं खा रही हूँ। तो यहाँ पर पेट पूजा करके खाना कंप्लीट करते हैं और जूसी एंड सॉफ्ट है, ब्यूटीफुली डन, अमेजिंग। चलो अभी खाना खाओ, खाना खा के इधर आते हैं, हजम करो। चूल्हा झूल झूल।
अच्छा सिस्टम। 2 hours later. Our second destination was Udaipur Sea Beach. पहली बार जा रही थी, so was pretty excited. काफी सुना था इसके बारे में, but I didn't like the crowd much. Loud music and also a lot of drunk people around. ये beach literally Odisha और West Bengal के border में है. So I will highly recommend कि अगर आप इस beach पे जा रहे हो, and if you are a female, please travel in group. यहाँ पर छोटे छोटे शैक्स हैं जो आपको टेबल चेयर प्रोवाइड करते हैं और खाना भी बना देते हैं एज पर योर ऑर्डर, चाहे वो मछली हो या क्रैब्स हो। बट मेक श्योर कि आप जब ऑर्डर प्लेस करो, यू बार्गेन विद देम एंड यू आस्क द प्राइस। हम आके बैठ चुके हैं उदयपुर में और यहाँ पर ना बीच के अंदर ही टेबल लगा के हम लोग बैठे हुए हैं बकायदा। वैसे हमारा लंच तो हो ही चुका है ताजपुर में, यहाँ पर हम लोग एटलीस्ट 4:30 मतलब शाम तक रहने वाले हैं, फिर चले जाएंगे ओल्ड दीघा बीच पे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ना अपने फेस पे शीट मास्क लगाऊंगी, क्योंकि ये धूप में मेरा हालत बहुत खराब होने वाला है। No, 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 no. हम केकड़ा खाएगा, केकड़ा ना ना इटा ठीक आछे, छोटोटा खेते भाल लागबे ना, अतिरिक्त छोटाई, बड़ोटा खेते बेशी भाल लागबे। तो फूड ऑर्डर देके मुझे लगा थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्टिविटी एंजॉय किया जाए, तो आगे चलो। किसी भी नए जगह पे जाती हूँ तो वहाँ की जो खास फूड आइटम होता है उसके बारे में पता करना मेरे लिए तो जायज है। इसीलिए द मेन रीजन आई केम टू उदयपुर वॉज द क्रैब मसाला। आई हर्ड इट इज सो डिलीशियस। सबसे पहले तो इन्होंने क्रैब को फ्राई कर लिया है, उसके अंदर अदरक, प्याज, लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करके अच्छे से फ्राई किया है। फिर इनके सीक्रेट इंग्रेडिएंट है टमाटो सॉस। आई वॉज सो शॉक्ड, टमाटो सॉस की वजह से एक स्वीट एंड सार का बैलेंस होता है। फिर पानी ऐड करके, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया ऐड करके अच्छे से मसाला को सुखा के आवर क्रैब मसाला इज सो रेडी एंड इट इज लुकिंग सो टेम्पटिंग। तो चलिए इसे खाते हैं। साथ में हमने पॉम्फ्रेट फ्राई और थोड़ी सी प्रॉन फ्राई भी लिया है और इसी के साथ शाम की स्नैक्स को कंप्लीट। सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं प्रॉन्स। अच्छे तरीके से फ्राई किया है, इट्स फ्राइड बट जूसी टेस्टी। ट्राई कर रहे हैं ये पॉम्फ्रेट फ्राई जो बहुत ही ज्यादा मेरी फेवरेट है। वाओ द फिश इज सो सॉफ्ट। सच बताए तो फ्राइड फिश ही होता है, टेस्ट सेम ही होता है चाहे आप घर में खाओ या बाहर में। पर यहाँ की खासियत ये थी कि समुन्द्र में पैर डुबो के सुंदर हवाओं में बैठ के ऐसे मज़ेदार मच्छी फ्राई वॉज एब्सोल्यूटली डिलीशियस एंड टेम्पटिंग। मतलब खाना और समुंदर का मज़ा एक साथ, और ये एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार तो आप उदयपुर ज़रूर जा सकते हो। मेरी एक्सपीरियंस उदयपुर में वॉज गुड, स्पेशली वेन इट कम्स टू द क्रैब मसाला आई वॉज थॉरली सेटिस्फाइड। बट एक्सपेंसिव था कम्पेयर टू ताजपुर। और मैं फिर से बताऊँगी, जहाँ पर भी आप बैठ रहे हो, जिस शैक में आप बुक कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू बार्गेन विद देम एंड आस्क देम इफ देयर इज एनी हिडन कॉस्ट जब वो टोटल बिल देंगे, ताकि आपको पता रहे, क्लैरिटी रहे कि किस में कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो शाम में हम आ चुके हैं ओल्ड दीघा सी बीच में, आवर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द डे। गर्मा गर्म पॉपकॉर्न मिल रहा है, फ्रेशली पॉप, और फिर उसे पैकेज किया जाता है, 20 रुपए दाम है।
तो लेट्स बाय वन, दो फ्लेवर में अवेलेबल है, एक मसाला और एक सॉल्टेड, तो मैंने दोनों ही लिया है, दोनों ट्राई करेंगे बाद में, ठीक है। ये जगह बिल्कुल नॉस्टैल्जिया है, बचपन की याद दिलाती है। शाम में यहाँ पर टहलना, साथ में काजू या बर्फी खाना, चटपटा घूगनी, झालमुरी, फुचका के साथ समुंदर का मजा उठाना इज सो ब्लिसफुल। अगर चटपटा घूगनी नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? तो 20 रुपए पड़ा है, दिस इज द फर्स्ट स्नैक जो मैं ओल्ड भीगा बीच में आके खा रही हूँ। बहुत बढ़िया है, गर्मा गर्म मटर की घूगनी, हल्का सा खट्टा इमली का पानी के साथ। घुगनी खाके शॉपिंग करना, साथ में आप में से कितने सारे प्यारे प्यारे इनफाइनाइट फैम के साथ मिलना, और हाँ बंदूक लेके बलून पे टीप अजमाना। दीघा में फूड वैरायटी की कमी नहीं है, यहाँ पर भी आपको फ्राइड फिश के साथ साथ चाउमीन, रोल, मोमोज भी मिलेगा, और मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कबाब, और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मोमोज तो हमेशा ही खाते हैं और फ्राइड फिश खा चुके हैं, तो क्यों ना शाम में कबाब ट्राई करें। तो मेरा ये होल चिकन तंदूरी कबाब पे बहुत ज़्यादा मन था, और ये छोटा वाला चिकन का प्राइस पड़ा 150 रुपीज़, जो काफ़ी सस्ता है। तो चलिए इसे खाते हैं, इसके साथ मुझे हरी चटनी और प्याज वाली सलाद भी मिला है। चिकन बहुत ही ज्यादा जूसी और सॉफ्ट है, मेरी इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो था नहीं, पर टेस्ट के हिसाब से ये काफी बढ़िया निकला। जो डाउन पॉइंट मुझे लगा वो है जो कलर्स ये लोग ऐड करते हैं इन द हरी चटनी एंड मे बी अ लिटिल बिट ऑन द कबाब एज वेल, बट चिकन में बहुत ही अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर था और तंदूरी मसाला का एक बढ़िया टेस्ट आ रहा था, विच वॉज प्रिटी नाइस। सो डेफिनेटली 150 रुपीज में सस्ता खाना के हिसाब से इट इज वर्थ इट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खाना पीना खाते, चाय पी के हजम कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं पेट को दोबारा खाने के लिए। तो गाइस कोलकाता में हमने KFC और वाव चिकन तो खाया है, दीघा में है बिग चिकन। आज हम बिग चिकन से ट्राई करेंगे, यहाँ पर 99 रुपीज का कोई कॉम्बो है, तो जाते हैं और वो कॉम्बो लेके आते हैं क्योंकि उसे हम ट्राई करेंगे। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ डिनर लेके KFC का जुड़वा वहन, जो कि है बिग चिकन, मतलब बड़ा मुर्गा, और उस बड़े मुर्गे से मैं लेके आई हूँ कुछ बहुत ही अफोर्डेबल एंड चीप कॉम्बो। सबसे पहला जो आइटम है वो है ये बर्गर, फिर वी हैव दो चिकन स्ट्रिप, और मुझे लगता है चिकन स्ट्रिप टेस्ट करने के बाद आई विल प्रीटी मच हैव एन आइडिया कि इसका फ्राइड चिकन कैसा है, एंड फाइनली फ्रेंच फ्राइज। ये है बिग चिकन की वो प्लाटर जो मैंने तैयार किया है, इसमें है एक बर्गर, 3 चिकन स्ट्रिप और फ्रेंच फ्राइज। ये है चिकन स्ट्रिप, बाहर से काफी क्रिस्पी लग रहा है और अंदर में है चिकन। तो एक चीज मैं बता सकती हूँ कि इसका जो लेयरिंग है, बैटरिंग है, थोड़ा मोटा है कंपेयर टू KFC। स्टार्ट विद द चिकन स्ट्रिप्स। जो बैटर है थोड़ा मोटा है, KFC का बैटर ना चिकन के साथ बिल्कुल इन्फ्यूज्ड होता है, बट द बैटर इज वेरी क्रिस्पी और हल्का सा स्पाइसीनेस है, थोड़ा बहुत KFC जैसा लगता है, द टेस्ट इज क्लोज टू KFC, पर हाँ बैटर क्योंकि थोड़ा मोटा है इसीलिए इट इज लिटिल डिफरेंट, अगेन अच्छा लग रहा है। आई थिंक इसका प्राइस KFC से बहुत ज्यादा सस्ता है। अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे ये बर्गर। बर्गर के भीतर देखो टमेटो आछे, लेटुस आछे, प्याज आछे। अभी आज अब्दि कोनो KFC बर्गर टमेटो और प्याज देखिनी, सो दिस इज न्यू, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम KFC। ভেতরে একটা বেশ চাঙ্কি টাইপের চিকেনের ফ্রাইড পিস দিয়েছে। इसका टेस्ट KFC बर्गर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। KFC के जो बन है ना बर्गर की, दैट बन इज वेरी सॉफ्ट,
सो द मोमेंट यू बाइट इट इट जस्ट मेल्ट्स इनटू योर माउथ, ज्यादा चुबाने की जरूरत नहीं होता है। अंदर की जो पैटी है इट इज अ ब्रेस्ट पीस जस्ट लाइक केएफसी एंड इट इज डीप फ्राइड। दिस वन इज प्रीटी टाइट, उतना सॉफ्ट नहीं है सो इट इज अ बिट च्यूवी, आपको चबाना पड़ रहा है। इतना सस्ता में आई थिंक दिस इज अ डिसेंट बर्गर, नाइस नॉट बैड, बट इट इज नॉट लाइक केएफसी, केएफसी की इज मच मच बेटर। मुझे लगता है मुझे ना ये चिकन स्ट्रिप्स ये बर्गर से ज्यादा अच्छा लगा, द बर्गर फील्स अ बिट ड्राई। ओके चटपटा मैं अभी बर्गर और फ्राइज खा के ये डिनर को कंप्लीट करती हूँ। और हाँ आप बहुत ही अच्छे से रहिए, टेक केयर। और हाँ इसे देख के भूख लग गया होगा ना, तो मुझे नजर मत दीजिए, ऑर्डर देके या बना के खा लीजिए, ठीक है। बाय।